Namaskar. Good morning, all of you students. How are you, all of you? I hope you all fine in your homes. So students, जो आज का हमारा session है, वो आज वैदिक मंत्रों पर आधारित है, मंत्र योग पर. मंत्र योग, यह भी एक योग का ही श्रृंखला है, जिसमें मंत्र योग के माध्यम से हम अपने कई मानसिक रोगों को और अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को, कार्य प्रणाली को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंत्र से कैसे हम ये उपचार प्राप्त करते हैं. तो जैसा कि मंत्र योग भी योग का ही एक भाग है और इसमें हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत के कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिनसे हमारे वोकल से जो कुछ विशेष शब्दों से जो ध्वनि उत्पन्न होती, फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारे शरीर में और हमारे आसपास के वातावरण में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है, जिससे हमारे शरीर को हीलिंग मिलती है और जो उस एटमॉस्फेयर में उसके संपर्क में आता है उसको भी इसके बहुत लाभ मिलते हैं, वो भी हील प्राप्त करता है. इसलिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण से हमारे पूरे घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे जो ध्वनि, जो मंत्रों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों की ध्वनि निकलती है, उसके वाइब्रेशंस और उसकी जो ऊर्जा होती है, रक्त कणों के माध्यम से हमारे पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करती है. और जैसा कि साइंटिफिकली भी रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है, एम्स में अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी गायत्री मंत्र की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो माना गया है गायत्री मंत्र को इफेक्टिव माना गया सबसे ज़्यादा, जिसमें पर सेकेंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट होती हैं एक सेकेंड में गायत्री मंत्र के उच्चारण से, क्योंकि संस्कृत एक प्राकृतिक भाषा है, जिससे जिनके शब्दों की जो उच्चारण की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इस प्रकार ऊर्जान्वित करती है हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे शरीर को, कि उसका जो प्रभाव होता है हमारे सबसे ज़्यादा फ्रंटल माइंड पे पड़ता है. और फ्रंटल माइंड का जो एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, और उसका एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल फ्रंटल कोर्टेक्स. तो जो ऑर्बिटल फ्रंटल कोर्टेक्स है वो जो हमारे शरीर में निर्णय करने की क्षमता होती है, जो और हमें क्या बिजनेस प्लान करने हैं, हमें कैसे अपनी स्टडी करनी है, कैसे हमें डिसीजन लेने हैं, तो वो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है. तो इसलिए बच्चों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज़्यादा बताया गया है, गायत्री मंत्र को विशेषकर, और जितने भी वैदिक मंत्र हैं संस्कृत के वैदिक मंत्र, उन सबका बहुत ही अच्छा लाभ हमारे मन मस्तिष्क और हमारे विचारों में और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ बनाता है. और जो ये मंत्र है गायत्री मंत्र का जो सबसे अधिक और जो सकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है वो जो हमारे शरीर में जो गाबा, जिसको बोलते हैं गाबा केमिकल का जो होता है, स्राव होता है, वो बढ़ता है हमारे गायत्री मंत्र के उच्चारण से. देखा गया है कि 2 हफ्ते में जिनका गाबा केमिकल का स्राव होना कम हो गया था, बंद हो गया था, जिससे कि हाइपरटेंशन और अनिद्रा की शिकायत होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कि हमें निद्रा नहीं आती और तनाव चिड़चिड़ापन रहता है, तो गाबा जो केमिकल है उसका भी हमारे शरीर में रिसाव होना शुरू हो जाता है, वो केमिकल बनना प्रारंभ हो जाता है और जिनका कम हो गया है वो सामान्यतः सही रूप में स्राव होने लग जाता है. तो जिससे हमें बहुत ही अच्छे और सकारात्मक प्रभाव, और इससे कि हमारे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है सबसे बड़ी बात, और बल्कि हमारे साथ साथ जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है और उसको भी ये और पॉजिटिव करता है, उसके अंडर भी जो आता है, उस वातावरण में जो भी आता है संपर्क में, उसको भी ये पॉजिटिव करता है. तो इसलिए मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत ही सकारात्मक होती है, जिससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे मन शुद्ध होता है और हम एक समाज के अच्छे और एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समाज के एक बहुत ही अच्छे नागरिक बनते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से. और हमारे जो पढ़ने की जो मन की एकाग्रता है और जो हमारे पढ़ने की जो क्षमता है, हमारी एक्टिवनेस है ब्रेन की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है मंत्रों के माध्यम से. तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा का जो हम प्रारंभ करेंगे वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से करेंगे, जैसा कि गुरु मंत्रों के साथ हम ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के साथ कक्षा को प्रारंभ करेंगे, अंत में गायत्री मंत्र का 12 बार अभ्यास करेंगे.
तो इन सब मंत्रों के बहुत ही लाभ आपको मिलने वाले हैं। चलिए और मैं आपको बता दूंगा कि आप डेली गायत्री मंत्र का 108 बार सुबह और शाम अभ्यास करें, 5 मिनट निकाल के जो भी है गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, और जिससे कि आपका मन मस्तिष्क और आपके जो विचार हैं वो बहुत शुद्ध होंगे और आपका शरीर है जो वो हील होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन सिद्धासन लगा लेंगे, आपके बाएं पैर की एड़ी आपके रूप में और आपका दाएं पैर आपका राइट लेग आपके बाएं पैर के ऊपर। अब यहीं से सिद्धासन की स्थिति में मंत्रों का उच्चारण, सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों गुरु मंत्रों के उच्चारण के साथ हम प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का अंत में 12 बार अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मंत्रों का उच्चारण मेरे साथ दोहराने का प्रयत्न करें या मन ही मन उनका अभ्यास करें। चलिए दोनों हाथों की नमस्कार मंत्र 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें, डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लायत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर मौन ही रहे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को अपने आसपास के वातावरण में, अपने अंतःकरण में अनुभव करें और उस ऊर्जा को, उस शक्ति पुंज को अपने अंतर मन में आत्मसात करें। यहीं से दोनों हाथों को तेजी से रख करें और तेजी से दोनों हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करें। धीरे से पूरे चेहरे की मसल्स पे, आपके गर्दन पे, आपके कंठ पे इस प्रकार, और पूरे शरीर में आपके दोनों भुजाओं पे, आपके पूरे शरीर जहां भी हाथों से उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के उस प्रत्येक भाग पर ले जाए जहां भी खिंचाव, तनाव, दर्द की अनुभूति है। सहजता से आंखें खोलें। ये थे मंत्रों के दिव्य अभ्यास, मंत्र योग के अभ्यास। अब यहीं से सूक्ष्म अभ्यास करते हुए और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। चलिए दोनों पैर सामने खोल लें, कंकु दंडासना, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, रिलैक्सिंग योर शोल्डर, स्ट्रेच योर बोथ लेग्स, फिंगर stretch and release.
breath and release. Make a complete circle. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. यहीं से लॉक करें आपके राइट लेग के घुटने को मोड़ते हुए इस तरीके से और एक पूरा सर्कल बनाए. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. Same with the opposite leg. Left leg के ankle को मोड़े और lock करें. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. अब यहीं से कमर के अभ्यास. दंडासन की ही स्थिति में दोनों हाथ फैला लें. बैठे बैठे कपटी चक्रासन का अभ्यास. लेफ्ट साइड की ओर कमर को टर्न करेंगे और योर राइट हैंड एंड प्लेस ऑन योर लेफ्ट शोल्डर एंड योर लेफ्ट हैंड प्लेस योर साइड ऑफ योर लेफ्ट वेस्ट. लुक बैक. चेंज. सेम विथ अपोजिट साइड. लुक बैक. चेंज. 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 से दोनों पैर को फैला लें आगे से. चक्की चालासन का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक कर लें. फर्स्ट राइट टू लेफ्ट विद एक्सेलेरेशन एंड लेफ्ट से वापस आते हुए इनहेल करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, reverse, 5, 4, 3, 2, and 1. Stretch your both hands on front, clutch your fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elbow bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Place both hands on your shoulder. Go for shoulder rotation. Elbow together. Make a complete circle. 1. By chest touching to the ear. And both elbow touch on together on your front. 1, 2, 3, 4, 5.
reverse, make a complete circle. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly neck rotation, exhale, touch your chin to the chest and go for shoulder rotation. Make a complete circle slowly. One, two, three, four, five, reverse, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release. अब यहीं से प्राणायामों के अभ्यास के लिए हम अपने स्थान पर आएंगे. फिर से ध्यानात्मक आसन की स्थिति में, सिद्धासन की स्थिति में प्राणायामों के अभ्यास. जिस प्रकार हम मंत्रोच्चारण के समय बैठे थे उसी प्रकार आपकी पैरों की स्थिति, सिद्धासन की स्थिति, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा. सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. पूरी श्वास को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फील करना है और पूरा एक्सेल करना है 10 राउंड इस अभ्यास के. सरल गति से, मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से. चलिए मध्यम गति से. तीव्र गति से जो पूर्णतः स्वस्थ है. लंबी गहरी श्वास प्रश्वास. यहीं से अगला अभ्यास कपाल भाति प्राणायाम का. स्ट्रोक्स के माध्यम से 20, 30 एंड 40 के स्ट्रोक्स में स्टमक को पूरा बैक स्पाइन पे टच करने का अभ्यास करेंगे. स्ट्रोक्स के माध्यम से धक्का देते हुए सांस को पूरा बाहर एक्सेल करेंगे. फर्स्ट 20 स्ट्रोक्स, देन 30 एंड 40 के स्ट्रोक्स में. 20 स्ट्रोक्स कंप्लीट होने के बाद आपको डीप इन्हेलेशन करना है. ओके, चलिए. श्वास श्वास छोड़े 30 के स्ट्रोक्स.
Tambhi Gheri Swas Paswas. 3 times deep inhalation and deep exhalation. यहीं से अनुलोम विलोम का अभ्यास हाथों की प्राण मुद्रा बना लें। अंगूठे से फ्राइड मोस्चर को बंद करें, लेफ्ट मोस्चर से इनहेलेशन करें। एक्सहेल करें राइट मोस्चर से, पुनः राइट मोस्चर से इनहेलेशन, देन एक्सहेल। एक सर्कल कंप्लीट हो गया इसी प्रकार, और 9 अभ्यास इसके करेंगे, 9 सर्कल कंप्लीट करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद कर लें सहजता से। 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। यहीं से ओंकार का उच्चारण, प्रणव का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम, नाभि से कंठ से होते हुए ओंकार का उच्चारण। दोनों हाथों का आपस में मिला लें और शांति पाठ का प्रारंभ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे
Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukhbhavet. Om Shantihi Shantihi Shantihi. सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, यही कामना करते हुए दोनों हाथों को तेजी से रफ करें और तेजी से पूरे चेहरे पर स्पर्श करें, आंखों पर स्पर्श करें, धीरे से चेहरे की मसल्स पे और पूरे शरीर पर।